चलो, तो वर्क पावर एंड एनर्जी कल अपन स्टार्ट किए थे चैप्टर। कल अपन ने पढ़ा बहुत कुछ, थोड़ा सा ही वैसे तो 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ था कल। तो सबसे पहले वर्क अपन ने कंप्लीट कर लिया था पूरा। वर्क क्या डिफाइन किया है, जब आप फोर्स लगाओ और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अपन ने डिफाइन किया वर्क। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा अब तक, आपने देखा मैं क्या है कि भैया अपन ने देखा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन स्केलर हो सकता है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो बाद में पढ़ोगे अभी भूल जाओ, है ना। चलो, स्केलर क्वांटिटी, अब इसकी स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट तो होगी, ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स। फिर अपन ने देखा कि भैया अच्छा ठीक है, अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, काम बनाने वाला काम। और अगर फोर्स अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव, काम बिगाड़ने का काम कर रहा था ये कल, याद आया, याद आया, है ना। लकी काम बनाने का काम कर रहा था और ये काम बिगाड़ने का काम कर रहा था, उल्टा फोर्स लगा रहा था ना, रोक रहा था लकी को काम करने से, है ना। तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका वर्क डन नेगेटिव, उसका वर्क डन पॉजिटिव। अगर सोचो ना, आप फोर्स उधर लगा रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट उधर जाए लेकिन उल्टा जा रहा है, मतलब वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव, काम बिगड़ गया, है ना। और अगर जिस जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो काम बन गया, यहां बिगड़ गया। और भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री हो तो वर्क डन, जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। बात समझ में आई। फिर एक बात और पढ़े थे वर्क में कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ एस एक साथ लिखा हूं मतलब मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू वाई लिख, एक्स वाई लिखते हैं मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई, वैसे ही एफ एस कॉस थीटा मतलब एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं क्या, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू रटा दिया था मैं, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 45 होता है, कॉस 60 होता है और कॉस 90 होता है 0। बस ये रटना है, ये रटना है कि भैया कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कम होते जा रहा है, देखो 1, 1 से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 0, 1 से 0, छोटा होते जा रहा है पूरा, ठीक है। ये रटना है, ये रटना है। वैसे तो मैं बता दिया था कल कॉस का थोड़ा बहुत चीज, है ना, कि होता क्या है कॉस, ये सब कल का लेक्चर में अपलोड कर दूंगा आज, और ये भी अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ाने दिए तो, क्योंकि ग्रेविटेशन का एक लेक्चर तो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसमें पढ़ाना 20 मिनट है, बाकी बकवास 40 मिनट है, ऑल थैंक्स टू यू ऑल, है ना। चलो, हाँ ये हो गया, कल पढ़ लिए थे, इसके बाद अपने स्टार्ट किया था एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, वर्क करने की जो एबिलिटी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इसीलिए जो एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल, वही वर्क की, या जो वर्क की वही एनर्जी की। वर्क एनर्जी तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, भाई साहब वर्क स्केलर तो एनर्जी भी स्केलर, ठीक है। बात समझ में आई पक्का, चलो बोर्ड कहाँ गया, अच्छा ये रहा, आज कराएंगे, ठीक है। फिर अपन ने और पढ़ा था, अब हाँ फिर अपन को पढ़ना था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब तक आपने देखा कुछ ज्यादा ही चल जा रहा है ना, इधर इधर इधर। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स हैं जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ. ठीक है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव. तो अगर मैं इस पेन को यहां से यहां लेके जाऊं ऐसे सीधा या ऐसे घुमा के, धरती माता का वर्क डन क्या होगा, सेम mgh, फोर्स mg इनटू डिस्प्लेसमेंट h. अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस, माइनस mgh, क्योंकि अरे भैया डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, है ना. अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट. तो और यहां पर फोर्स क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा हमेशा. अगर फोर्स चेंज हो रहा होता तो फिर अपन यहां से यहां तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता. बात समझ में आ रही है क्या? फोर्स पूरा कांस्टेंट है एकदम नीचे, डायरेक्शन फिक्स फोर्स की, यस और नो, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, इसीलिए अब यहां पर अपन खाली क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं इस पेन को यहां से ऐसे लेके जाऊं चाहे यहां से करके यहां लेके आऊं, दोनों में धरती माता का वर्क डन क्या रहेगा, इसीलिए ये क्या है, धरती माता का फोर्स क्या है, और नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन. अगर ये फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर, अब मैं इसको जितने पाथ से लेके जाऊंगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा. अरे फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा ना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, नॉट डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आई? तो इसीलिए वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एग्जाम्पल याद रखना फ्रिक्शन, और इसका एग्जाम्पल याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज का फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, ये एकदम नींद में भी याद रखना है, उन्नति तो नींद में ही है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज का फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स लगाता है ना. अरे प्लास्टिक को घिस कैसे छोटे छोटे पेपर की तरफ लेके जाओगे तो अट्रैक्ट होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्ज के कारण. जब आप एक प्लास्टिक को अपने बाल में घिसोगे तो चार्ज इधर से उधर चल जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे, स्टैटिक चार्ज, है ना. तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, 11th में 12th में पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट का फोर्स, ग्रेविटेशनल मास का फोर्स, है ना, और स्प्रिंग तो मालूम ही है, स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग जो होती है तो स्प्रिंग का फोर्स, ये याद रहेगा. अब इसका नाम कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि कुछ कंजर्व रह रहा होगा, अरे नाम में क्या रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ कंजर्व रह रहा है. क्या कंजर्व रहेगा, एनर्जी. क्या कंजर्व रहेगा, वेस्ट नहीं होगी, स्टोर्ड रहेगी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वेस्ट हो जाएगी, जैसे फ्रिक्शन, आवाज आई, गई एनर्जी, हीट हो जाएगा, बहुत देर तक घिसूंगा तो गर्म नहीं हो जाएगा एकदम पूरा, तो हीट में, साउंड में, इरिटेटिंग से साउंड में गई ना एनर्जी पूरी. बट इस पैन को जब मैं यहां से ऊपर लेके जा रहा हूं, एनर्जी कहीं गई, स्टोर्ड हो गई इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर जिस फॉर्म में स्टोर हुई उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. अरे पोटेंशियल एनर्जी थी अभी तो वेलोसिटी आई. तो अब आते हैं अपन आज, अब तक का हो गया, अब तक आपने देखा कंप्लीट, अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो वेलकम टू एड्यूमेंशन लेक्चर नंबर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 9th. वैसे तो मेन फोकस सीबीएसई है, लेकिन हाँ सीजी वालों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है नहीं इसमें ज्यादा. हाँ आईसीएससी वालों के में बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए भाई साहब आते ही नहीं है संडे को अलग से पढ़ने के लिए. हाँ शर्म आती है, एग्जाम चल रही है. चलो ठीक है, इधर देखो, हाँ आज का नया टॉपिक चालू करते हैं अब, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अब होता क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात. हो गया भैया, रख दो, रख दो उसको. थप्पड़ से भी चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, करना है. हाँ चलो इधर सुनो, इधर सुनो, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम जा रही है तो बाजू रूम में बैठ के पढ़ सकते हो. हाँ पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो क्या हो रहा है. अपन ने बोला कि भैया जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स रहता है वहां एनर्जी वेस्ट, वहां एनर्जी वेस्ट नहीं होती है. अब मान लो भैया ये अच्छा भी काम आएगा 2 बजे, है ना. अब मान लो भैया कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट है,
मान लो इसका मास है m, कितना है? धरती माता इसको फोर्स लगा रही है कितना? एम जी। अरे जी तो ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। धरती माता इसमें कितना फोर्स लगा रही है? कितना फोर्स लगा रही है? एम जी। अब अगर मैं चाहता हूं इसको मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर वेलोसिटी आए, क्योंकि वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आती है। वेलोसिटी से क्या आती है? मैं नहीं चाहता कि इस बिचारे के अंदर काइनेटिक एनर्जी आए, मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आए। तो मेरे को एकदम हालू हालू लेके जाना है इसके ऊपर धीरे धीरे, ये सर लो। तो मेरे को बताओ, मेरे को इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अभी धरती माता इसमें नीचे लगा रही है फोर्स कितना, और मैं कितना लगा रहा हूं इसके ऊपर? एम जी। अरे तभी तो रुका हुआ है। अरे अगर मैं फोर्स नहीं लगाता तो गिर जाता ना, ये सर लो। तो धरती माता नीचे एम जी लगा रही है, तो मैं भी कितना लगा रहा हूं? तभी तो रुका हुआ है। अब मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है, तो मेरे को एम जी से एकदम इतना सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो मैं उसको लगभग एम जी मान सकता हूं। तो जब मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूं, किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? धरती माता के विरुद्ध जा रहा हूं ना मैं। धरती माता बिचारी इसको खींचना चाह रही है, और मैं इसको, तो मैं धरती माता के विरुद्ध इसको ऊपर लेकर के जा रहा हूं। तो देखो, मैं जब इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर? कितना फोर्स लगा रहा हूं? और कितना लेके गया? एस। कितना लेके गया? एस या एच? एच हाइट तक लेके गया। कितना लेके गया? एच। तो मेरा वर्क डन कितना? एम जी एच, एम जी एच। मेरा वर्क डन कितना? एम जी एच। ठीक है, कितना हुआ मेरा वर्क डन? एम जी एच, एम जी एच, है ना? कितना हुआ मेरा वर्क डन? ठीक है। अब देखो, मैं जो हूं वो हूं एक्सटर्नल फोर्स। मैं क्या हूं? ठीक है, धरती माता जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, धरती माता जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, और मैं एक्सटर्नल फोर्स। तो अब एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन था, कहीं गया क्या? कोई साउंड आई? कोई हीट प्रोड्यूस हुई? कोई केमिकल चेंजेस हुए? कहां गई एनर्जी? स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? चमका सभी को? चमका क्या? क्योंकि देखो, यहां और कहीं पर एनर्जी वेस्ट हुई नहीं। क्यों? क्योंकि कौन सा फोर्स था? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी वर्क डन करेगा, तो वो स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक बात का बस ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ना आए, क्योंकि वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई ना, फिर पूरी की पूरी पोटेंशियल में नहीं गई, फिर मेरा वर्क डन कुछ पोटेंशियल में गया और कुछ काइनेटिक में। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो अपन को क्या करना है? हलू हलू लेके जाना है, धीरे धीरे एकदम, ठीक है, एकदम। तो एकदम स्लोली मूव करना है, ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, तो एक्सटर्नल का पूरा वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लेना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता दूंगा। मास है एम, धरती माता फोर्स लगा रही थी एम जी, मतलब कंजर्वेटिव। आप कंजर्वेटिव बोलते हैं, खाली धरती माता थ्योरी, और भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग और कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स, सारे के सारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करे, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क, तो वो स्टोर हो जाए। एक कंडीशन और, स्लोली वर्क करे, स्लोली मूव करे, तो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। बट ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है। अब देखो यहां पर, सुनो, तुम बुक बंद कर दो ना भैया, मैं गलती किया, ये बुक पहले बांट के बंद करो, बुक हिट लिस्ट में हो तुम, याद रखना। हाँ ठीक है, अब एक और याद रखना। अब एक बात बताओ, इसके अंदर यहां पर ले जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी जगह की वजह से है,
यस और नो? अगर मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानता हूं तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके कारण है? इसकी पोजीशन के कारण, जगह के कारण, यस और नो? इसको जितना ऊपर लेके जाऊंगा उतनी एनर्जी रहेगी, अरे जितना ऊपर लेके जाऊंगा उतना तबाही मचाएगा नीचे खुद के अंदर, है कि नहीं? अरे यहां से छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं बट यहां से छोड़ूंगा, जो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर यहां से छोड़ूंगा तो पक्का ये शहीद हो जाएगा, ये सर नो? बट मैं इसको आज शहीद नहीं करना चाहता, 2 बजे काम है इसका, ठीक है? मान लो मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये पक्का कुछ ना कुछ इसका प्लास्टिक टूटा पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एनर्जी थी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी उतना ज्यादा इसको फोर्स लगेगा, जितने तेज से जाके टकराएगा, यस और नो? तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया अच्छा इसकी हाइट जितनी नीचे होगी उतनी कम इसके अंदर एनर्जी, और इसकी हाइट जितनी ऊपर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी। 4 फीट की दीवार से कूदोगे मर जाओगे क्या? बट 40 मीटर की दीवार बिल्डिंग से गिरोगे तो निपट जाओगे, अगर नीचे कॉन्क्रीट हुआ तो, या पानी भी हुआ तो भी निपट जाओगे ना। तो हाइट जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी, बात समझ में आई? स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है वो पूरा पसीना में गिल्ला हो गया हूं मैं, चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, स्प्रिंग, स्प्रिंग को भी जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, छोड़ोगे तो लगेगी, ठीक है? नहीं, स्प्रिंग जितना ज्यादा खींचोगे या जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी, तो उसके चेंज इन शेप के कारण, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी किस कारण से है? चेंज इन शेप। रबर बैंड खींचोगे जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। अरे गुलेल वगैरह बनाए हो कि नहीं कभी, रबड़ से बंध के कागज से ऐसे कई हो गए क्लास में, नहीं किए हो? सीधे साधे बच्चे हो यार, है ना? ठीक है चलो। तो कभी टीचर को मारे हो? कोशिश किए थे? ये है ये 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 यही देखो, ध्यान से देखो इस हेडशॉट, कृपया इसे यहां कोशिश ना करें, है ना? ठीक है चलो। तो स्प्रिंग रबर को, रबर बैंड को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी रहेगा, यस? तो यहां पर भी एनर्जी किसके कारण है? उसका चेंज इन शेप। तो अपन क्या बोलते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है उसकी जगह के कारण, पोजिशन के कारण, है ना, या फिर चेंज इन शेप के कारण, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है बुक में, ओपन कर लो आप। एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसकी जगह के कारण, चेंज इन शेप या चेंज इन साइज के कारण, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? एनर्जी पोजेस्ड, पोजेस्ड मतलब धारण करना, पोजेस्ड मतलब धारण करना, बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ मतलब कारण, कि जिसके कारण, वर्च्यू ऑफ, लेकिन वर्च्यू ऑफ वर्ड यूज करना क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में, इंटरनेशनल बुक से लेकर के सब में वर्च्यू वर्ड से यूज किया गया है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा और याद हो जाएगा, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इधर देखो, एनर्जी पोजेस बाई एनी ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी है किसके कारण? चेंज इन शेप, चेंज इन साइज या पोजीशन के कारण, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डिफिकल्ट है क्या याद करना? एनर्जी पोजेस, जो धारण कर रखा है एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट, है ना, किसके कारण से? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बोलो गुड। बोलो पीयूष।
बोलो पोजेस एनर्जी पोजेस बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्चुअल ऑफ इट्स पोजीशन चेंज इन शेप एंड साइज. एक बार तालियां देख के भी अटक अटक के बोल रहा है ये. एनर्जी पोजेस बाय एनी ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन चेंज इन शेप चेंज इन साइज. कॉमा लगा लगा के है ना. इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट by virtue of its position change in shape change in size. By virtue of its position change in shape change in size is called potential energy. Energy possessed by any object by virtue of its position change in shape change in size is called potential energy. आगे बढ़े. अब पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है जो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं. कितना mgh. ठीक है, वैसे वो मसाला mdh होता है ना, अपन उसको mgh कर देते हैं. ठीक है, चलो आगे 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 देखो आगे देखो. पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? सबको प्रिंटेड दे दिया हूं है ना. हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए तो बताना भूल गया. अगर आप भी चाहते हैं वाली बुक दिखाओ ना कि इस टाइप से पूरी फुल कलर बुक जिसमें प्रद्युमन है ना, और भैया बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं भी हूँ, कृष्ण जी भी हैं, और पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं एकदम अच्छी तरीके से समझा करके है ना. एक सुंदर कन्या भी है, एक बदमाश बालक भी है इसमें. ठीक है, तो सब है इसमें. तो इस तरीके से अगर आप ये पूरा नोट जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी डेफिनेशन अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं सूरजपुर के बाहर के हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम अपना जगह कहाँ से आप हैं और कौन से क्लास में हैं कौन से बोर्ड में हैं. मैं आपको PDF भेज दूंगा इसका. और अगर आप सूरजपुर से हैं तो मैं PDF नहीं भेजूंगा, आपको आ करके एड्यूमेंशन से ये बुक लेकर के जानी है एड्यूमेंशन सूरजपुर से. ठीक है, हाँ, जिसके लिए आपको खाली चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब. एक आया था ना छोटा बच्चा, प्लीज सब्सक्राइब. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर अपन ग्रेविटेशन वाली कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो हमारा एनर्जी हमारा वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और क्योंकि अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किए इसलिए उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि टू सा है. मान लो ये ऑब्जेक्ट, मान लो क्या ये ऑब्जेक्ट है मास m का, तो धरती माता का फोर्स कितना होगा, mg. तो जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, इसको भी कितना होना पड़ेगा, mg. और मान लो इसको यहां से h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना, h, mgh, mgh. अब यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, अरे रुको ना, अभी तो वर्क डन आया, अभी इस वर्क डन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. यहां क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे सभी कोई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी स्लोली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए. ये पूरा लाइन यहां पर लिखना पड़ेगा, तब जाके इस वर्क डन को अपन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला याद रखना है क्या, mgh, mgh याद रहेगा, याद रहेगा. और डेरिवेशन छोटू सा, बस वो डेफिनेशन लिखनी है, वो लिखी हुई है मेरे बुक में है ना, लिखा होगा ना. वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसमें कंडीशन नहीं लिखी है लेकिन चाहो तो लिख सकते हो है ना, कि ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना है, वेरी स्लोली, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए.
ठीक है क्या, क्लियर? आप आते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी में, किसमें आते हैं? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बता रहा हूं ना अभी, तो टॉपिक नाम डाला हूं भाई, ये जब कर दो। ये कांच है, अगर मैं इसको धीरे से टच करूं टूटा नहीं, बट अगर तेजी से आगे मारूं तो टूट जाएगा, या इसको रेस्ट पे रखूं, इसको एकदम तेजी से फेंक दूं तो टूट जाएगा। मतलब क्या, अगर इसके अंदर कोई जादुई ताकत होती तो टच करने में भी टूटना चाहिए था, टच किया टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन जब इसको मैं फेंका तो इसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी, क्या आ गई, और फिर ये टूट जाएगा, टूटा मतलब एनर्जी आ गई। तो अभी इसके अंदर एनर्जी नहीं है, देखो एनर्जी होती तो टच करने में भी टूटता ना, बट जब वेलोसिटी आ गई तो टूट जाएगा, क्रैक तो हो ही जाएगा, इतना भारी लोहा को फेंक के मारूंगा इसके ऊपर तो, है ना, बेचारा फिर आज कोई गेम नहीं खेल पाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको बहुत तेजी से फेंक करके मारूं तो ये टूट जाएगा, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसके अंदर कोई जादुई ताकत नहीं है, इसकी वेलोसिटी के कारण इसके अंदर एनर्जी आई, तो इस उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? मोशन के कारण जो एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी।